हेलो एवरीवन, आज मैं आपको केंद्रीय विद्यालय संगठन में विभिन्न केंद्रीय विद्यालय जो पूरे देश में फैले हुए हैं उसमें पिछड़ा वर्ग के प्रवेश से संबंधित जो नया नियम सत्र 2020-21 से लागू होने जा रहा है उसके बारे में आपको बताएंगे। रिजर्वेशन फॉर ओबीसी कैंडिडेट्स इन केंद्रीय विद्यालय एडमिशन फ्रॉम सेशन 2020-21। इसके संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा केंद्रीय विद्यालय संगठन को अधिसूचना जारी की गई है, जिसके अंतर्गत ओबीसी कैंडिडेट्स को जो पहले प्रवेश में रिजर्वेशन नहीं था उसको अब केंद्रीय विद्यालय में सुनिश्चित किया जाएगा। नहीं केंद्रीय विद्यालय में बल्कि नवोदय विद्यालय में भी इसको लागू किया जाएगा सत्र 2020 और 21 से। तो आइए आज हम आपके साथ जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा जो अधिसूचना जारी की गई है उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। यह पत्र जो 30 मार्च 2020 को जारी किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसमें केंद्रीय विद्यालय संगठन के कमिश्नर को ओबीसी स्टूडेंट के एडमिशन के रिजर्वेशन को लागू करने की बात की गई है एकेडमिक सेशन 2020-21 से। तो इसकी जो मुख्य बातें हैं वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। जो एग्जिस्टिंग प्रोविज़न है एडमिशन का, उसके अंतर्गत एसटी कैंडिडेट्स को 15% रिजर्वेशन और एसटी कैंडिडेट के लिए 7.5% रिजर्वेशन जो पहले से लागू है सभी फ्रेश एडमिशन में वो अभी भी लागू रहेगा। साथ में 3% सीट्स को डिफरेंटली एबल कैंडिडेट्स के लिए रिज़र्व किया गया है। हॉरिजॉन्टली मीन्स जो टोटल सीट्स होगी उसमें 3% ओवरऑल कैलकुलेट किया जाएगा और जो 3% सीट आएगी वो हॉरिजॉन्टली डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन के लिए रखा जाएगा एज पर द आरटी एक्ट 2009। और 25% सीट जो होगी वो आरटी के अंतर्गत रिज़र्व रहेगी फ्रेश एडमिशन में इन क्लास फर्स्ट में, बाकी क्लास के एडमिशन में ये रिजर्वेशन नहीं होता है। जो क्लास फर्स्ट में एडमिशन होंगे, जैसे केंद्रीय विद्यालय की जो स्टैंडर्ड लिमिट ऑफ स्टूडेंट है क्लास फर्स्ट में वो 40 पर सेक्शन है, अगर दो सेक्शन का स्कूल होगा तो 80 सीट हो जाएगी, थ्री सेक्शन का स्कूल होगा तो 120 सीट हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी साइज़ ऑफ केंद्रीय विद्यालय होंगे उसके अकॉर्डिंगली पर सेक्शन में 25% सीट को आरटी एक्ट में रिज़र्व किया जाता है, जिसमें विभिन्न वर्ग के बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। अब हम आगे इस पत्र के जो अगले प्रोविजंस है उसके बारे में आपसे डिस्कस करता हूँ। जो एग्जिस्टिंग एडमिशन गाइडलाइन है केवीएस की, उसके अंतर्गत जो प्रायोरिटी कैटेगरीज दी गई है जो केंद्रीय विद्यालय सिविल सेक्टर या डिफेंस सेक्टर में स्थित हैं उसमें जो 5 कैटेगरीज हैं जिसके अंतर्गत बच्चों को एडमिशन में प्रायोरिटी दी जाती है। जो पहला सेक्शन या पहला कैटेगरी आप कह सकते हैं जो है बच्चों के लिए, वो चिल्ड्रेन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होंगे और इसके अंतर्गत चिल्ड्रेन ऑफ एक्स सर्विसमैन इंक्लूडिंग चिल्ड्रेन ऑफ फॉरेन नेशनल ऑफिशियल हु कम ऑन डेपुटेशन और ट्रांसफ़र टू इंडिया ऑन इन्विटेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये जो बच्चे होंगे इन सभी एम्प्लॉयज़ के वो कैटेगरी वन में आएंगे और उनको एडमिशन में फ्रेश एडमिशन में सबसे पहली वरीयता दी जाएगी। उसके बाद जो दूसरी कैटेगरीज आती है चिल्ड्रेन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑटोनोमस बॉडीज़ PSU IHL ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो दूसरी कैटेगरी में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो PSU होंगे और ऑटोनोमस बॉडीज़ होगी और इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग होंगे उनके एम्प्लॉयज़ के जो बच्चे होंगे उनको रखा जाएगा। इसके बाद जो तीसरी कैटेगरी आती है चिल्ड्रेन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ उनके बच्चों को रखा जाएगा। फिर चौथी जो कैटेगरी आएगी उसमें चिल्ड्रेन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑटोनोमस बॉडीज़ ऑफ PSU एंड IHL ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, जो चौथी कैटेगरी होगी उसमें जो बच्चे आएंगे ऑटोनोमस बॉडी और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो होंगी और इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग होगी जो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है
उनके बच्चों को एडमिशन दिया जाता है। उसके बाद आती है पांचवी कैटेगरी, जिसमें चिल्ड्रेन ऑफ एनी अदर कैटेगरी होंगे, जिसमें इंक्लूड किया जाएगा फॉरेन नेशनल के भी बच्चे आएंगे जो इंडिया में अपने वर्क के कारण या पर्सनल रीजन के कारण यहाँ पे रह रहे हैं। तो अगर सीट वैकेंट होती है तो उस केस में जो अदर फॉरेन नेशनल के जो बच्चे हैं कैंडिडेट्स, वो भी आ सकते हैं। तो पांच कैटेगरी में डिफाइन किया गया, जो अभी पहले से है ये, और अभी भी ये सेम कैटेगरी लागू रहेगा। जो KVS हमारे देश में प्रोजेक्ट या इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग सेक्टर्स में इस्टेब्लिश हैं, उसमें जो प्रोजेक्ट के एम्प्लॉइज़ होंगे और उनके ग्रैंड चिल्ड्रेन होंगे एम्प्लॉइज़ के, उन सभी को इसमें एडमिशन में वरीयता दी जाएगी। तो अब आगे हम बात करते हैं, जो पार्लियामेंट की कमेटी है जिसने OBC रिजर्वेशन के लिए रिकमेंड किया हुआ है अपनी सेकंड रिपोर्ट के अंतर्गत, जिसमें लोकसभा में ये दिसंबर 2019 में ये कहा गया था, और उसमें कमेटी ने स्ट्रांगली रिकमेंड किया हुआ है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंतर्गत OBC को सेशन 2020 और 21 से रिजर्वेशन दिया जाए एडमिशन में। इसमें केंद्रीय विद्यालय संगठन के सभी स्कूल आएंगे और साथ में जवाहर नवोदय विद्यालय के भी सभी स्कूल आएंगे, जिनको ये अधिसूचना जो पार्लियामेंट में पारित किया गया था उसके 3 महीने के अंदर लागू करने की बात की गई है। अब हम आगे बात करते हैं कि जो इस अधिसूचना के अंतर्गत जो ओवरऑल रिजर्वेशन की बात की गई है OBC की, उसकी बात करते हैं। तो जो रिकमेंडेशन दिया गया है कि OBC को जो एडमिशन दिया जाएगा फ्रेश एडमिशन KVS में जो होते हैं वो क्लास फर्स्ट में होते हैं, तो एकेडमिक सेशन 2020-21 से लागू किया जाएगा, जिसमें मान लेते हैं कि एक क्लास की स्ट्रेंथ जो पर सेक्शन होती है वो 40 स्टैंडर्ड स्ट्रेंथ होती है, जो अप्रूव्ड स्ट्रेंथ है एट प्रजेंट। तो उसमें सीटों का बंटवारा किस तरीके से होगा, तो OBC को जो रिजर्वेशन दिया गया है वो 27% दिया गया है, और इसके अंतर्गत एक सेक्शन के स्कूल में जो बच्चों को रिजर्वेशन मिलेगा OBC के, वो 11 सीट्स उनको दी जाएंगी, और RTE जो 25% होता है उसके अकॉर्डिंग टोटल 40 सीट में से 10 सीट उनको दिया जाएगा। SC कैंडिडेट को 15% जो पहले से भी दिया जा रहा था वो 6 सीट्स उनके कोटे में आएगी, और ST कैंडिडेट 7.5% उसके अकॉर्डिंग 3 सीट्स जो है उनको दी जाएगी। तो जो इसमें नया चेंज आया है अभी जो इस सत्र से लागू होगा, वो है OBC का रिजर्वेशन जो 27% फ्रेश एडमिशन में दिया जाएगा। तो आउट ऑफ 40 सीट्स में से 11 सीट्स जो होगी वो OBC के बच्चों को दिया जाएगा प्रवेश में, और साथ ही साथ जो टोटल सीट होगी उसका 3% सीट जो होगा वो डिसेबल्ड बच्चों को अर्जेंटली दिया जाएगा। तो ये मेन जो चेंज आया है इस बार केंद्रीय विद्यालय संगठन के प्रवेश के नियम में और दिशा निर्देश में, जिसको इस सेशन से लागू किया जाएगा। अब एडमिशन जो दिया जाएगा उसमें किस तरीके से एडमिशन को कंसीडर किया जाएगा, फर्स्ट फेज में जो एडमिशन होंगे उसमें पहले लॉटरी ड्रॉ की जाएगी, और 10 सीट्स जो बच्चे अंडर RTE होंगे, RTE के जो बच्चे आएंगे उनका एडमिशन पहले किया जाएगा, जिसमें अगर बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है तो लॉटरी ड्रॉ किया जाता है, और उस लॉटरी ड्रॉ के आधार पर जो वर्तमान में तो ये प्रक्रिया ऑनलाइन किया जाता है, जिसमें हर ग्रुप के बच्चे होंगे SC ST और OBC डिफरेंटली एबल सभी बच्चों को एक साथ लिया जाएगा, और उनके आधार पर RTE की जो 25% सीट्स हैं जिनकी संख्या एक सेक्शन के स्कूल में 10 सीटें होंगी उसको भरा जाएगा। इसके बाद सेकेंड फेज़ में जो एडमिशन की प्रक्रिया होगी उसमें रिमेनिंग जो 30 सीट्स बचेंगी आउट ऑफ 40 सीट्स में से उनको भरा जाएगा, और उनको भी भरते समय अगर SC ST और OBC कैंडिडेट्स की संख्या में जो शॉर्टफॉल होगा उसको यहाँ पर ध्यान में रखते हुए उनको भी भरा जाएगा। इसके बाद फिर जो आगे की प्रक्रिया होगी उसमें जो मेन बात ध्यान रखने की है कि एडमिशन देते समय SC ST और OBC
एप्लीकेंट्स जितने भी होंगे उनको ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, जैसे हमने अभी आपसे बात किया था कि जो डिफेंस सेक्टर और सिविल सेक्टर के स्कूल होंगे उसमें 5 कैटेगरी होती हैं, 5 प्रायोरिटीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के बच्चे होंगे, उसके बाद ऑटोनोमस बॉडी सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, फिर ऑटोनोमस बॉडी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, फिर अदर कैटेगरी, तो 5 कैटेगरी होंगे। उन सभी कैटेगरी के बच्चों को प्रवेश देते समय अगेन एससी एसटी और ओबीसी की जो रिज़र्व सीट है अगर वो फुलफ़िल नहीं हुई है पहले फेज़ में तो उनको ध्यान में रखते हुए पहले उनको प्रायोरिटी दी जाएगी और उन सीटों को यहाँ पर भरा जाएगा। अगर पहली कैटेगरी का एडमिशन होता है और उसमें ये सीटें नहीं भरी जा सकती हैं तो फिर सेकेंड कैटेगरी के एडमिशन के समय फिर उसको भरा जाएगा। तो इस तरीके से एससी एसटी और ओबीसी के लिए जो रिज़र्व सीट है उसको आगे की कैटेगरी 3rd, 4th और 5th कैटेगरी तक भरा जाएगा। अगर ये सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी अगर जो रिज़र्व सीट है एससी एसटी और ओबीसी की वो पूरी तरीके से नहीं भरी जा सकती हैं, रिमेन अनफिल्ड रहती हैं, तो जितनी सीटें इस कैटेगरी में अनफिल्ड रहेंगी उनको भरने के लिए जो स्ट्रेंथ है क्लास की उसको बढ़ाई जा सकती है ताकि जो रिज़र्व सीट के बच्चे हैं उनको प्रवेश दिया जा सके। तो ये गाइडलाइन जारी किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत, जिसे आप देख सकते हैं, और यह प्रक्रिया इस बार केंद्रीय विद्यालय में लागू होगी सेशन 2020-21 के प्रवेश में, जो क्लास 1 के एडमिशन में लागू किया जाएगा। इस बार ये प्रक्रिया थोड़ा विलम्ब हो चुकी है लेकिन उम्मीद करते हैं कि आने वाले महीने में जल्दी ही इसके बारे में दिशा निर्देश केंद्रीय विद्यालय संगठन के मुख्यालय के द्वारा जारी किया जाएगा। और इसके आधार पर तो जो सबसे बड़ा चेंज था वो ओबीसी के बच्चों के आरक्षण का था, जो 27% सुनिश्चित किया गया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर विद अदर ऑल्सो सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी कैंडिडेट इन एडमिशन इन केंद्रीय विद्यालय। थैंक यू।